कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की महिला विंग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करतार कौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि जल्द ही हरियाणा प्रदेश भर में महिलाएं इकट्ठी होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री को शाहबाद के मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज को NOC दिलवाने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी संस्था है और NOC ना मिलने से सभी काम अधूरे लटके हुए हैं। इसे जल्द से जल्द CLU और NOC दी जाए ताकि हरियाणा प्रदेश के स्टूडेंट भी MBBS का दाखिला यहां पर ले सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समर्थन ना मिलने से उनका प्रोजेक्ट अभी तक लटका हुआ है। ये मेरा ਮੋਰਲ ਪਿਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ CLU ਔਰ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ कब तक मिले। श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की महिला विंग की स्टेट प्रधान रविंदर कौर अजराना ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल हरियाणा की महिला विंग को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभिन्न जिलों में मीटिंगें बुलाई जा रही हैं, जिसमें संगठन की मजबूती के लिए महिलाओं को एकत्र किया जाएगा। आज हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा है संगठन को जो हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी है, जो महिला विंग की जो इन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मुझे पिछले दिनों में नोमिनेट किया है, उसके संगठन को मजबूती के लिए हम हरियाणा प्रदेश में पूरे जिले भर में मीटिंग रखेंगे और इसके संगठन को मजबूत बनाएंगे। हमने इसी के तहत सारे हरियाणा में मीटिंग का जो दौरा रखा है, जैसे 20 को हम हिसार जिला की मीटिंग करेंगे, 21 को सिरसा फतेहाबाद, 22 को अंबाला पंचकुला जिले में मीटिंग रखी हुई है, 25 को जींद और 26 को हम फरीदाबाद और गुड़गांव में मीटिंग करेंगे। कुरुक्षेत्र से अजय TV न्यूज़ के लिए YD शास्त्री की रिपोर्ट।